जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आलेशी सोलंकी और आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया के बारे में। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का आइडिया जो है वो अप्रूव कर दिया गया था 2017 में ही, अब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग किया गया था। नीति आयोग इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वन थिंग यू शुड नो, पेपर में बहुत आता है। उसके बाद में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द गुड पॉइंट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड द बैड पॉइंट्स, स्पेशली इन कंसर्न विद एयर इंडिया और उसके स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, देखो गुड पॉइंट्स क्या है कि डेब्ट बर्डन विल बी रिड्यूस। सबसे पहले तो क्योंकि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो गवर्नमेंट पर जो डेब्ट का इतना ज़्यादा दिक्कत है एयर इंडिया के कारण जो आता है वो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ही अपने पास एयर इंडिया रखती तो अराउंड 50,000 crores का टोटल उसको करना पड़ता, पैसे लागत लगानी पड़ती, तो इससे भी जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं प्रेशर जो था इसका वो कम हो जाएगा। डेब्ट बर्डन विल बी रिड्यूस। करंटली एयर इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 crore डेब्ट ड्यू टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, है ना। तो क्योंकि मेंटेनेंस गवर्नमेंट को अब नहीं करना पड़ेगा, इट वुड बी प्राइवेटाइज, तो थोड़ा सा प्रेशर जो है इसका रिड्यूस हो जाएगा। देन प्राइवेटाइजेशन विल इंक्रीज कॉम्पिटिशन। अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, और हमने हमेशा देखा है जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी बढ़ती है चीज़ों की और पैसे कम होते हैं। ठीक है, तो फॉर सिटीजन्स इट वुड बी वेरी गुड क्योंकि उनको क्वालिटी ट्रैवल मिलेगा वो भी कम दामों में ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन। ठीक है, एयर इंडियाज मार्केट शेयर इन एविएशन इंडस्ट्री इज जस्ट 14%। तो एयर इंडिया का मार्केट शेयर कितना कम था, 14% बस, और इतने कम मार्केट शेयर के लिए 50,000 crore का बर्डन गवर्नमेंट पे, वो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो दैट इज़ वाई द आइडिया एंड द डिसीजन ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज अ बिट गुड। नाउ बैड की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन की जगह ये जो एम्प्लॉई यूनियन था उनका ओपिनियन था कि भाई आप प्राइवेटाइजेशन की जगह आप क्या कर लो, ऑटोनॉमी दे दो। ठीक है, उससे भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें चाहिए वो चेंज हो सकती हैं। दूसरा ये था कि एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मतलब जितने भी ये जॉब लॉसेस हैं, जो भी जॉब दे रहे हैं ले रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इसमें। वाई? बिकॉज अभी सारे गवर्नमेंट ओरिएंटेड थे, बिकॉज एयर इंडिया वॉज गवर्नमेंट का पहले, नाउ अब प्राइवेटाइज हो गया है। तो प्राइवेटाइजेशन में जैसे ही प्राइवेटाइज होता है बहुत सारे लोगों की फायरिंग हो जाती है, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। दूसरा, अगर जॉब से निकालते भी हैं तो बिकॉज गवर्नमेंट पर इतना एक्सपेंस था तो बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स की जो है सैलरी नहीं वितरित हुई थी अच्छे से, तो सैलरी जो है बहुत सारी लोगों की जो है अभी भी गवर्नमेंट पे ऊपर था कि महीने महीनों से सैलरी नहीं दी गई थी, तो सैलरी का ड्यू भी क्लियर होना दिक्कत होता है प्राइवेटाइजेशन के शिफ्ट में। तो जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है स्विच फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइजेशन। एम्प्लॉय यूनियन से आर्गुइंग द प्राइवेटाइजेशन विल लीड टू जॉब लॉसेस, जॉब लॉस का उनने बोला था। एयर इंडिया हैज़ टू क्लियर द सैलरीज, तो सैलरी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है वाया गवर्नमेंट टू द स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि अगर सैलरी क्लियर किए बिना ही ट्रांजिशन अगर वो कर देते तो क्या होता, बहुत सारे लोग सफ़र करते। ठीक है, उनकी सैलरीज जो है वो चले जाती, लैप्स हो जाती, वो प्राइवेटाइज होने के बाद वो क्यों देंगे इनकी सैलरी। सो दैट वॉज, तो देखो ये दीज वर ऑल द बैड पॉइंट्स, बट स्टिल 50,000 crore का मेंटेनेंस बर्डन से तो लोगों की सैलरी क्लियर करना, उनको ड्यूज देना एंड प्राइवेटाइज करना इज़ वे बेटर। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस डिसीजन वॉज ऑन द गुड साइड ओनली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। विल नो मोर अबाउट अदर टॉपिक्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।